हमारी इस धरती पर हजारों तरह के छोटे बड़े कीट पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कीट इतने घातक होते हैं कि जिनकी एक बाइट अच्छे अच्छों को नानी याद दिला सकती है। इनमें से कुछ कीट तो घने जंगलों और झाड़ियों में पाई जाती हैं, तो वहीं कुछ कीट हमारे घरों में रहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे ही घातक कीटों के बारे में बताऊंगा, जिनकी असलियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5, हाउस सेंटीपीड। इस कीट के बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं, जिनकी मदद से ये बड़े आसानी से अपने शिकार को अपने चंगुल में फंसा लेता है। ये ज्यादातर मक्खियों को, खटमलों को और मधुमक्खियों को अपना शिकार बनाता है। इनका जीवन काल बाकी कीटों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, जो करीब 4 से 5 साल तक का होता है। इनके काटने से हम इंसानों में असहनीयता, सूजन और खून का जमना जैसी सिम्टम्स दिखाई देती हैं। वैसे ये कीट आमतौर पर इंसानों को नहीं काटते, क्योंकि इंसान उनका शिकार नहीं होते और इसलिए ये कीट इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे छेड़छाड़ करता है तो ये उन्हें नहीं छोड़ती और काट कर ही दम लेती है। नंबर 4, द जायंट वाटर बग। ये कीट सिर्फ मीठे पानी के आसपास ही अपनी बस्ती बसाता है और ये छोटी मछलियाँ, मेंढकों और यहाँ तक कि बेबी टर्टल्स को भी अपना शिकार बनाती है। 3, टेस्टी फ्लाई। इस फ्लाई की एक बाइट किसी को भी घातक नींद से रूबरू करवा सकती है। जब ये कीट किसी को काटता है तो उसके अंदर बहुत तरह की बीमारियाँ छोड़ देता है, जिसमें बुखार होना, हेडेक होना कॉमन है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सिम्टम्स और भी ज्यादा घातक होती जाती हैं, जिसमें थकान होना बहुत कॉमन है, इसलिए इसके काटे जाने को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। इनसे होने वाली बीमारी सीधा इंसानी दिमाग को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत कंफ्यूज्ड रहने लगता है और चीजें भूलने लगता है। वैसे तो इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन दिमाग पर असर होने से ये बीमारी और भी ज्यादा घातक साबित होती है। नंबर 2, ब्राउन रिक्लूज स्पाइडर। वैसे तो ये स्पाइडर काफी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक होते हैं और इसका जहर इंसानी मांस को भी पिघला देने की क्षमता रखता है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इनकी एक बाइट इंसानी शरीर की स्किन, फैट और ब्लड सेल्स को विभाजित कर देता है, जिस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। और इसके अलावा इस स्पाइडर के काटने से असहनीयता, सूजन और कटे हुए जगह का लाल हो जाना जैसी चीजें होती हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सब सिम्टम्स बिना इलाज के भी 3 दिनों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस में जॉइंट पेन, बुखार, अल्सर जैसी सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस होती हैं। नंबर 1, किसिंग बग्स। आप इसके नाम पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर इस कीट ने एक बार आपको काट लिया तो ये अपने काटने का निशान आपके चेहरे पे छोड़ जाता है। सिर्फ निशान ही नहीं, इस कीट के काटने से हम इंसानों में बहुत तरह की बीमारी जन्म लेती है, जिनमें सबसे पहला है तेज बुखार का होना। इसके अलावा कुछ केसेस में तो लोगों का हार्ट का साइज बड़ा हो जाना और पेट की अतड़िया पत्ती हो जाने जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। ये कीट कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा आकर्षित होते हैं, जो हम सांस लेते वक्त अपने मुंह के बाहर निकालते हैं, और यही वजह है कि इनकी ज्यादातर बाइट हमारे चेहरे के आसपास ही होती है। और ये काम ये कीट रात के अंधेरे में ही करते हैं और इसके काटने से हमें उतना भी दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन इसका इफेक्ट काफी घातक होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।